हाय, मैं हूँ हयात फातिमा। आज हम बनाएंगे लौकी के कोफ्ते। जो लोग गोश्त के कोफ्ते नहीं खा सकते और उन्हें अपने वेट की भी बहुत ज़्यादा फिक्र रहती है, तो वो खाएं मज़े से लौकी के कोफ्ते। तो इसके लिए हमें चाहिए शान मसाला फॉर टेस्ट, टमाटर पेस्ट, चॉप अनियन यानी कि प्याज 4 अदद, लौकी 3 अदद। इसको मैंने छील कर कद्दूकस कर लिया था। कद्दूकस करने के बाद एक मलमल के कपड़े में डाल के पानी से निचोड़ लिया इसका पूरा पानी। देखें, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है और पानी बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए, वरना आपके कोफ्ते टूट जाएंगे, आराम से नहीं बनेंगे। और हमने देखें, ये पानी सेव किया हुआ है। लौकी का पानी बिल्कुल भी नहीं फेंकना, यही तो आपका वेट लॉस में मदद करेगा। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें 3 चम्मच के करीब या 2 चम्मच के करीब हसबे जायका आप ये डालें। आपका कोफ्ता तो वैसे ही तैयार हो गया है। थोड़ी सी प्याज इसमें से उठाइए जो चॉप की भी हो, ताकि जल्दी बनाना है ना हमने। और ये देखिए, प्याज का भी मैंने पानी मुट्ठी से निचोड़ दिया है और ये भी डाल दिया हमने। और अब हम ऐसा करेंगे, थोड़ा सा इसमें बेसन शामिल करेंगे, 3 चम्मच। पहले देख लेंगे कि ये आटे की तरह गूंद रहा है कि नहीं। आप चाहें तो इसमें हरा धनिया पुदीना भी ऐड कर सकते हैं काट के, मगर मुझे ज़रा जल्दी है, आज मुझे ज़रा जल्दी में पकाना है, तो मैंने इसमें हरा धनिया और पुदीना चॉप करके ऐड नहीं किया। हरी मिर्चें ऐड कर सकते हैं आप, वो मैंने खुद नहीं की। हरी मिर्चें हमारे घर में ज़्यादा पसंद नहीं की जाती, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा सा इसमें बेसन और पड़ेगा। तो आप ये अपने पास प्लेट रखिएगा और डालते जाइएगा, तो आपको पता चलता रहेगा। क्योंकि मेरे पास ये 3 लौकियाँ थी, हमारे यहाँ आने वाली सहेली की फरमाइश है कि वो आज ये खाएंगी, तो 3 सहेलियाँ हैं हमारी, अपने शोहरों के साथ आ रही हैं, तो हमने थोड़ी ज़्यादा मकदार में लौकी दी है। ये कद्दूकस होने से रह गई थी, ये मैंने अलग ही डाली। थोड़ा सा मुझे लगता है और जाएगा इसमें। अब आप देख लें इसको कि इसके गोल गोल जो हैं वो बॉल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। आपसे वो बॉल तैयार कर लें, उसके बाद आप इसको थोड़े से तेल में फ्राई कर लें। कोफ्ते तैयार हैं आपके। अब फिर हम चाहेंगे ग्रेवी की तरफ इसकी। ये देखें, इस तरह से अगर कोई पीस आ जाए कद्दूकस से रह जाए हो ना, तो वो निकाल दीजिएगा लाजमी से। या क्योंकि आज बारिश बहुत हुई है, कोई सब्जी वाला गली में भी नहीं आया और बाहर रोड पे पानी बहुत है, तो बाकी तो सामान हमने बनाया था गोश्त वगैरह का, लेकिन हमारी 3 सहेलियाँ जो बिल्कुल भी गोश्त पसंद नहीं कर रही इस वक्त, वो कहने लगी आप हमारे लिए कोफ्ते तैयार कर दें। तो सोचा मैं आपको इसमें भी शामिल कर लूँ, आपको भी पता चले कि किस तरह से लौकी के कोफ्ते तैयार हो जाते हैं। ये देखें, इस तरह के बाउल से बना लीजिए। अब आते हैं इनको डीप फ्राई करने की तरफ।